अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम ये करने वाले हैं, वीडियो है खान सर की और ये है 370 के ऊपर। सो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो देख लेते हैं, काफ़ी कुछ जो है इसमें हमें जानने को मिलेगा बाय खान सर। और अभी रिसेंटली ये वीडियो आई है तो मैंने सोचा इस पर हम लोग रिएक्शन देते हैं, क्योंकि सजेशन में भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। सो अगर आप वीडियो पर न्यू हैं, मतलब चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप फैमिली का पार्ट बन जाए हमारी यूट्यूब और फैमिली का। और इसके अलावा नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें वक्तन ब वक्तन। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। जय हिंद। देखिए, कश्मीर में अभी एक्स्ट्रा 200 जो कंपनीज को वहां तैनात किया गया, इससे एक अटकलें निकल के आ रही हैं कि कश्मीर को फिर से तोड़कर जम्मू को अलग कर दिया जाएगा। आखिर इसके पीछे क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये बात हकीकत है कि भारत सरकार अभी 200 एक्स्ट्रा कंपनियों को, जो हमारे फोर्सेज हैं, इनको भेजा गया है। एक कंपनी में अमूमन 100 जवान रहते हैं सर यहाँ पर, तो 200 कंपनियों को भेजा गया है वहाँ पर। तो 200 कंपनी मतलब मोटा मोटी आप समझिए यहाँ पर 20,000 एक्स्ट्रा जवान को भेजा गया। ऐसे ही घटना 2019 में हुआ, जब 370 हटाना था उस समय 400 अलग कंपनियों को तैनात किया गया था। तो इसमें 100 का गुणा कर लीजिए, 40,000 हो जाएगा। तो उस समय 40,000 फोर्स तैनात थे और कश्मीर इस तरह टाइप का हो गया। तो अब कुछ लोग का कहना है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, हालांकि ये एक र्यूमर है। अब सरकार इसमें सफाई दे रही है। देखिए, सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं, इनको हर अपना प्लान खुल के नहीं बोल सकते कि हमको क्या करना है। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा भी देखना है और देश के अंदर भी देखना है। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो फोर्स थे ये अलग अलग राज्यों में चुनाव में थे, जैसे बंगाल के चुनाव में ये वहां से लौट, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये बंगाल चुनाव में वहां रहते तो इतना वायलेंस भी जो था वहां पे नहीं हुआ रहता। तो गवर्नमेंट को कंसर्न क्या है कि देखिए, जो इस साइड वाला पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, वहां पे वो इलेक्शन कराना चाहता है। तो वहां इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान ने ऑलरेडी इधर फोर्स डिप्लॉयड करके रखा है और आतंकवादियों का तो वो पूरा वहां पर हेड ऑफिस है, वहां पर मुजफ्फराबाद वगैरह। तो यहां पर ये है। इस साइड में चाइना जो अक्साई चीन है, गलवान घाटी पिछले साल जून याद है आपको, इसी साल घटना हुआ था। तो इधर से ये है और इधर दोनों कर युद्ध अभ्यास कर रहा है सो वहां पर। तो यहां पर जो हमारे फौजी हैं, इनका मनोबल ना टूटे बल्कि मनोबल और बढ़े, इसलिए एक्स्ट्रा फौज को भेजा गया। अब ये लोग खुल के थोड़े बोलेंगे कि भैया हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कर, इनके पास अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक प्रोटोकॉल्स के तहत ये लोग बंधे होते हैं। अब चाइना को काउंटर करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जो यहाँ से जाते हैं ये केवल मालगाड़ियों के लिए वो जो ट्रेन बनाई गई है, उस ट्रेन पर कम्प्लीटली मिलिट्री ट्रेन को चलाकर पूरी तरह से ट्रायल किया गया है। अब ये पूरी ट्रेन चाइना के स्वागत के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा साजो सामान है, वहाँ उनकी आरती उतारने के लिए जितने सामान जा रहे हैं मिलिट्री के, यहाँ से भेजे गए हैं ताकि दिखाया जा रहा है कि भैया हमारी ट्रांसपोर्टेशन उधर बहुत बेहतरीन ढंग से, हम वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। एक्चुअली चाइना ने क्या किया, अभी एक तो अमेरिका का जो B-52 बॉम्बर है उसका कॉपी करके उसने एक S-20 बॉम्बर बना दिया यहाँ पर, और ये काफ़ी खतरनाक है, स्टिल्थ बॉम्बर है, ये जल्दी रडार में आएगा नहीं, और इसका रेंज 600 किलोमीटर है। और जो हम लोग लेटेस्ट S-400 मिसाइल खरीद के ला रहे हैं तो उसका रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये उससे भी दूर खड़ा होकर, क्योंकि इसका रेंज 600 किलोमीटर है, तो वहाँ से मार देगा। और ये पहले तो रडार में पकड़ में नहीं आएगा, और S-400 का रडार बहुत एडवांस है, तो पकड़ भी लेगा तो उसका रेंज 600। तो ये भारत के लिए कंसर्न का विषय है, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं डिफेंस वगैरह को लेकर यहाँ पर। और ये दोनों लोग मिलके यहाँ पर जो वहाँ युद्ध अभ्यास कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर सेना को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ पर। अब देखिए, कुछ लोग का कहना है कि जम्मू को अलग कर दे के लिए, तो इसका एक तो डेमोग्राफी समझिए, ये वाला बेसिकली जो एरिया है, ये रेड वाला जो कर दिए, ये एरिया आता है कश्मीर का, और नीचे का ये एरिया आता है जम्मू, और ये बेसिकली लद्दाख था। तो इतना बड़ा लद्दाख वगैरह को दोबारा इसे रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था। तो ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इसमें बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से, और बाकी के जो एरिया है, ये वाला लद्दाख वाला और ये जम्मू वाला, यहाँ पर मिलीजुली जनसंख्या है, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख लोग भी हैं, और हिंदू भी मिक्स हैं। तो इस एरिया में, तो इन लोग का कहना है, स्पेशली देखिए लद्दाख वाला, ये लद्दाख का जो एरिया है, ये नीचे वाला है, इनका कहना है कि भाई सॉरी जम्मू वाला ये एरिया, इनका कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं ये इन पर डोमिनेंट कर देते हैं। अक्सर देखिएगा, डोमिनेंट इन द सेंस आप समझिए, जैसे मान के चलिए कोई लखनऊ का आदमी है, वो यूपी के लखनऊ का है,
और अगर कोई यूपी के किसी देहात से आएगा ना, तो लखनऊ वाला सोचेगा कि अरे हम मेट्रो सिटी के हैं, लखनऊ के हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने, मतलब एक अपने को इलीट क्लास का शो करेगा। तो वैसे ही यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीरी अपने को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं कि जम्मू वालों से ऊंचा मानते हैं आप। तो इन लोगों का कहना हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है भाई, एक ही राज्य में भेदभाव होगा तो हमको अलग कर दीजिए। दूसरा कि जॉब जो अपॉर्चुनिटी है ज़्यादातर कश्मीर में चली जाती है, यहाँ के लोगों को जॉब भी कम मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर कम मिलता है, और इन लोग का हर तरह से ये लोग भेदभाव को झेल रहे होते हैं, इसलिए इनका कहना है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, देखिए हाँ ये तो है कि भाई यहाँ पर आतंकवादी घटना होती है तो इन लोग का भी टूरिस्ट मतलब बर्बाद हो जाता है, वहाँ बम फूटता है और यहाँ लोग जम्मू में भी नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी शांतिप्रिय जगह को पसंद करता है। लेकिन अगर हम कश्मीर को अलग कर देंगे तो एक हम लोग के देश के अंदर एक ऐसा जगह हो जाएगा जो कम्प्लीटली भारत के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी हो जाएगी भारत के जो एंटी इंडिया के सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वो कहेगा कि देखिए, और हमेशा पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, वो जम्मू कश्मीर नहीं चिल्लाता है, और ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ पर। तो हमारे लिए एक ये है कि मिलजुल करें, हालांकि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि भाई जम्मू में भी और यहाँ पे भी इक्वली देखा जाए यहाँ पर, वरना ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी स्टेट में एक एरिया को छोड़ देंगे, और अक्सर ऐसा नहीं है कि ये केवल कश्मीर में, आप अगर ओवरऑल इंडिया को भी देखेंगे ना, तो जो पश्चिमी भारत है या उत्तर भारत है, इस सब के एरिया में डेवलप ज़्यादा है, और पूर्वोत्तर को लोग छोड़ देते हैं, वहाँ डेवलपमेंट में नहीं ध्यान देते हैं। हालांकि 370 के हटने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है, ये वही कश्मीर है जहां हमारे फौजियों को ऐसे पीट देते थे सब, ऐसे घेर घेर के, उन्हें आदेश नहीं रहता था क्योंकि वहां जो लोकल गवर्नमेंट थी 370 की वजह से उनके पास पावर ज़्यादा था, ऐसे लोग इनके पास नाचते थे। लेकिन समय बदल जाता है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। याद कीजिए बचपन में कभी हम लोग स्कूल में मोबाइल लेके चले जाते थे तो टीचर लोग घर पे फ़ोन करते थे कि आपका लड़का बिगड़ गया है, मोबाइल लेके स्कूल में आया है। आज वक्त बदल गया, आज मोबाइल में स्कूल घुस गया है, स्कूल बंद, लड़का मोबाइल में देख रहा है, वही हाल हो गया। और इसके अलावा भी अभी हर चीज़ें स्थिति सुधर रही है, कश्मीर जो है यहाँ के जो नेता थे अलगाववादी नेता, इन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत भाभी पड़ जाएगा, तो अब ये लोग धीरे 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 इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भैया मिलजुल के ही रहने में फ़ायदा है। और गवर्नमेंट जो है वो दूर तक को सोचते हुए, जैसे चिनाब ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे कनेक्टिविटी, एक्चुअली कश्मीर के साथ एक ये भी तो समस्या है, सोचा कनेक्टिविटी इतना ख़राब है वहाँ पर, मौसम ख़राब हो जाता है, ये जिस वजह से वहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाते हैं टाइम से, बिजनेस भी नहीं हो पाता है, या पुलिस फोर्स वगैरह या आर्मी को डिप्लॉय करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई कश्मीर को कैसे भी अपने अंडर में लाया जाए, लेकिन जो पब्लिक होती है, देश के नागरिक, हम लोग का मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम कश्मीरियों को अपनी ओर खींचें। दो चीज़ें होना चाहिए, देखिए पाकिस्तान हावी क्यों हुआ, पाकिस्तान कश्मीर को नहीं खींच पाया है, लेकिन कश्मीरियों को अपनी ओर थोड़ा सा लुभा लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि भाई पूरा फुल कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मशीनरी है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप हर चीज़ लगाओ कि कश्मीर को किस तरह से अपने अंडर लाया जाए, चाहे वो आर्मी ले जाना हो, आतंकवाद को काउंटर करना हो, इस सबसे। और हम लोगों को देश के अंदर जो लोग हैं उन्हें एक सद्भाव के तौर पर कश्मीरियों को दिल जीतना चाहिए। अगर आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना, तो फिर पाकिस्तान का दाल ही नहीं गिरेगा। इसके लिए बहुत सारा हो सकता है कि जैसे हर स्टेट एक मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखे कश्मीर के साथ, जैसे कैसे एक कॉमनवेल्थ गेम होता है और ओलंपिक होता है, उस तरह से एक इंडिया के इंटरनल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जाए, उसमें मेन कंसर्न रखा जाए कि नहीं कश्मीर के लोग भी भाग लें, और इस तरह मतलब उनको आपस में जोड़ के रखा जाए। हर महीने कभी मान के चलिए गुजरात कश्मीर का हो रहा है, तो वहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएँ, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में डिबेट करें, इससे धीरे 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 घुल मिल जाएंगे। और एक लंबा 15-20 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कश्मीर आप सोचेंगे कि नहीं ये 2 साल में नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना, तो फिर कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। और कुछ स्टेटमेंट भी जो थोड़ा नेता होता लोग दे देते हैं, इससे लॉन्ग टाइम बहुत घाटा हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर कुछ लोग होते हैं जिनमें एजुकेशन ज़्यादा नहीं है ना, तो किसी भी बात को पकड़ के वो लाइफ टाइम के लिए बुरा मान जाते हैं। तो स्टेटमेंट को भी हमें कश्मीर के बारे में थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि जब 370 हटा था तो बहुत सारे उल्टा सीधा मजाक किए जा रहे थे, इस सबसे थोड़ा सा सेंटिमेंट भड़कता है और इसी का फायदा उठा लेता है पाकिस्तान, कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में इंडिया के लोग क्या सोचते हैं। भैया हमारा जैसे बाकी राज्य है वैसे वो भी है, धीरे धीरे अब पटरी पर वो भी आ रहा है।
आ इन लोग का अलगे रोना रोना है। ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटा कर इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर। बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते हैं लोग, तो ये ठीक है। वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को दिन दहाड़े मरवा दो, सही है भाई। हमारे कश्मीर को छोड़िए, हमने तो 370 हटा दिया, आपको टेलर दिखा दिए, ये सब आने वाला है। आप इसको बचाइए, ये बलूचिस्तान मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाला है इनको। ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है, परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब, इन लोग को समझ में नहीं आता है, परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है, यहाँ से सुरा आधार कार्ड में एगो नाम सुधरवाने में 15 दिन लग जाता है, अही ऐसे कहता है परमाणु बम तुरंत मार देंगे। अरे भाई, आपको बताया भी है सबकी नहीं, आपकी आर्मी वाले सब, कि परमाणु बम जो होता है इस तरह से एक जगह नहीं रखा रहता है, इसको कई पार्ट में रखा जाता है, कुछ टुकड़ा वहाँ है, कुछ यहाँ, पता चला एक जगह रखा उसमें कुछ इधर उधर हुआ वही उड़ गया यहाँ पे, ऐसे थोड़ी रखा जाता है। उसको आपस में जोड़ ओड़ के रेडी टू वार करने के लिए 3-4 दिन ऐसे लग जाता है, ऐसे धमकी देता है, कहता हमारे पास भारत से ज्यादा परमाणु बम। भाई साहब, दूसरे को समझाइयो, ठीक है, हमरा ना पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु बम है, 8-10 ज्यादा, उसके पास 165 है और भारत के पास 156, तो भारत के पास कम है। लेकिन इस आंकड़े में मत जाइए, परमाणु बम जो है वो कई टुकड़ों में है, वो रेडी नहीं है लड़ने के लिए। पाकिस्तान के केवल 18 ऐसे, मतलब अब जो सूचनाएं लीक होती हैं उन्हीं से पता चलता है कि 18 ऐसे परमाणु बम है जो रेडी टू फाइट है, मतलब वो रेडी है लड़ने के लिए, और भारत के पास 42 ऐसे परमाणु बम है जो मतलब रेडी टू फाइट पोजिशन पर है वहाँ पर। तो भैया तोरा हाई 65 कौन सी देख रहा है, देख इधर इधर इधर, ये 65 आपके काम का नहीं है चचा, इधर देखो 18 है काम लायक है, इधर 42 है। तो भाई हम लोग 42 वो रेडी रखे हैं लोग, 42 में दुइयों को मार देंगे तो आधा उड़ जाएगा, बलूचिस्तान पर नहीं मारेंगे लोग, उसको आज़ाद करा दें, समझ में आ रहा है कि नहीं। परमाणु बम मार देंगे यहाँ, मार देंगे यहाँ पर, गुलेल को लगता है कि परमाणु बम समझता है। देखिए इमरान खान जी आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए, पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, आपको कौन समझा रहा है वहाँ पर जी भाला इन लोग का। अब देखिए हम कहते हैं कि इन लोग पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए, इंडियन आर्मी है वो चाइना को संभाल लेगी, इंडियन आर्मी चाइना को संभालने के लिए आई है, अली खान साहब को संभालने के लिए हम ही बहुत है, क्यों है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, एक शायरी सुनिए, तुम चलाते रह गए पत्थर, मतलब तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। आई होप आप समझे होंगे, ये लोग को समझ उमझ में नहीं आता है, इनको कश्मीर चाहिए, खैर चाहने दीजिए, इनको कश्मीर मिलेंगे ये लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझे होंगे, ऐसा कश्मीर में कोई अलग स्टेट होने वाला नहीं है, ये ऐसे अफवाह उड़ा दिया जाता है जैसे 2000 के नोट में चिप था। अगर गवर्नमेंट को अलग ही करना था जम्मू को तो उसी वक्त अलग कर देती, हाँ थोड़ी सी जम्मू में सुधार की ज़रूरत है, उन लोग को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि सबको भाई बराबर है एटलीस्ट अब तो है, लेकिन धीरे धीरे भी वो चीज़ें हो रही हैं, एक अचानक किसी स्टेट लेवल पे चेंजिंग दिखता नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट उसके प्रोग्रेस में लगी रहती है। आई होप आप इसे समझे होंगे, और आप लोग को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, अब वीडियोज़ भी अब कंटिन्यू आते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। अच्छा तो गाइज ये वीडियो थी जिसमें बात कर रहे हैं कि कश्मीर में जो 370 है वो, अच्छा 370 हटने के बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कश्मीर जो है वो हाईलाइट होता ही रहता है किसी ना किसी चीज़ में। सो इसमें ये कह रहे हैं कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो सिनेरियो है कि स्टेट अलग बनेगी और ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से लोग अगर ये सोच रहे हैं कि स्टेट बनने वाला है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को करना होता वो पहले ही कर दिया होता, लेकिन क्योंकि जो है वो यहाँ पर इन्होंने एक सजेशन दिया खान सर ने, वो मुझे भी लगता है कि ठीक है। देखो अगर किसी भी चीज़ को आप अपनी तरफ लाना चाहते हो या फिर आपको कोई भी चीज़ अपनी तरफ कन्विंस करनी होती है ना, तो उसका मेन जो चीज़ें होती हैं ना उसका या वहाँ के लोगों को जो है ना हमें अपनी तरफ लाना पड़ता है। तो सेम कश्मीर पर भी यही लागू होता है कि अगर आपको कश्मीरी लोगों के ऊपर आप फोकस करोगे, उनके अंदर अपने लिए मोहब्बत पैदा करोगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो उससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली कश्मीर जो है वो मतलब उसका सपोर्ट आपकी तरफ आएगा। और अगर आप सिर्फ कश्मीर के ऊपर फोकस करते हो उनके लोगों पर नहीं, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सिचुएशन में। तो जैसे कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी
मतलब कोशिशों में लगा हुआ है 370 की दोबारा से लग जाए, और जिसकी वजह से आप जानते हो कि कपास और चीनी का जो अभी सिस्टम ऑन होने वाला था, पाकिस्तान लेने वाला था भारत से, उसके बाद वो अनाउंसमेंट भी हो गई थी कुछ दिन के बाद, फिर यू टर्न हो गया। इन्होंने कहा नहीं, 370 जब तक नहीं हटेगा, दोबारा नहीं लगेगा, तब तक हम लोग जो हैं वो ये सब नहीं करेंगे, हम ये डील्स नहीं करेंगे। तो उससे क्या हुआ, वो डील वहीं होते होते रुक गई। तो मतलब एक स्टेप ऐसा सुनने को मिला था कि कहीं से हो पा रही थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक अच्छा रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, पीस अमन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर यू टर्न पाकिस्तान की तरफ से आया और उससे जो सारे मामलात थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन चलो ये तो एक पॉलिटिक्स के ऊपर बात आ जाती है, लेकिन अगर जैसे कि ये बम वगैरह और ये सारी चीज़ें बात करते हैं तो इतना ईजी तो नहीं होता, ये सिर्फ बोलना होता है। ख़ासकर शेख रशीद को आप देख लो, वो बहुत बोलते रहते हैं हमारे पास ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको चलाना कैसे है, इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो समझते हैं कि शायद कोई गुलेल है, जैसे कि ये भी बता रहे हैं फनी वे में। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं जो कि इन लोगों को शायद मजाक लगता है कि ये चला देना मिसाइल और बम और ये सारी चीज़ें, तो इससे सारी चीज़ें जो है वो ओके हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको देखनी पड़ेंगी, नोट करनी पड़ेंगी और बहुत ही होशियारी से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के साथ साथ अगर लद्दाख की भी बात कर लें या दूसरी भी, तो चाइना और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो एक साथ एक साइड पे खड़े हैं और भारत एक साइड पे खड़ा है, लेकिन भारत जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन एयर डिफेंस की बात करें, जैसे कि हमने एक पहले भी वीडियो देखी तो उसमें भी यही कहा जा रहा था कि एयर डिफेंस के अकॉर्डिंगली भारत अभी काफ़ी चाइना से पीछे है, लेकिन आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन आने उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए यह है कि भारत को प्रॉपर अपने आप को रेडी रखना होगा, जैसे कि लद्दाख में और गलवान में इस तरह का सिनेरियो हुआ था कि चाइना के सारे आके बैठ गए और इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है वो ज़मीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जो सेना थी उन लोगों ने उनको वापस भगा दिया। लेकिन वो मेजर साहब जैसे कि कह रहे थे कि वो दोबारा से वापस आ सकते हैं और वो पूरी तैयारी से आएंगे इस बार, और उसके लिए हमें कुछ करना होगा। और ये बात सही है, ये लोग आएंगे, ऐसे गए हैं तो फिर आएंगे भी ज़रूर और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। सो इसके लिए भारत को फुल प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। और अगर कश्मीर की बात रही तो उसके लिए जितना भी कोशिश हो ना, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, लोगों को जितनी सुविधा दे सकते हैं जितना वो कर सकते हैं करें। वैसे तो 4G जो है वो आ गया है भारत में और कश्मीर में, और वैसे भी आपको पता ही है कि वहाँ तक सुविधाएं पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट है उनको भी मसला होता है हर लिहाज से। सो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी सब कुछ कर तो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है उनको भी टाइम चाहिए और उनके भी बहुत सारे प्लान्स होंगे जो कि अभी उन्होंने डिसाइड सोचे हुए हैं। जैसे भारतीय पंडित्स के बारे में बात की गई है, कश्मीरी पंडित्स जो हैं उनकी वापसी की बात की गई है कश्मीर में, और उनके लिए अलग से कॉलोनी सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें देखने में मिल रही हैं, लेकिन उनके लिए भी जाहिर सी बात है उनको टाइम चाहिए। सो फौरन हर चीज़ नहीं हो सकती। सो लोग जो सोच रहे हैं कि अगर मतलब कि कन्फ्यूजन जिनके लिए क्रिएट हो रही है, सो ये उनके लिए वीडियो अच्छी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, सो उनकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो खैर गाइस, ये वीडियो थी आज की हमारी, आज आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।